बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर उमर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ रिसर्च और व्हाट इज़ एजुकेशनल रिसर्च एंड व्हाट इज़ रिसर्च एंड हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सर्च एंड रिसर्च। तो आज हम पहला टॉपिक 8604 का डिस्कस करने वाले हैं, इस हवाले से आज की डिस्कशन। और इफ़ यू फील एनी क्यूरी यू मे राइट इन द चैट बॉक्स, एंड इफ यू आर अ न्यू ऑन माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट AIOU एंड अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि वाट इज रिसर्च एंड वाट इज एजुकेशनल रिसर्च एंड हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सर्च एंड रिसर्च। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च इज अ कॉमन फ्रेज रेफर्स टू आर रिच नॉलेज एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर अ प्रिटेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। इन फैक्ट सर्च रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इस पैरा में ये समझ आया कि सर रिसर्च जो है वो सर्च का नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पर आप चीज़ों को दोबारा री इन्वेस्टिगेट करते हैं अबाउट यूजिंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स को यूटिलाइज करते हुए आप चीज़ों को दोबारा रिफाइन करने का आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है यू वांट टू केयरफुली री इन्वेस्टिगेट एंड रिफाइन दोज मटेरियल्स एंड मेथड्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू द एडवांस लर्नर्स अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन आर इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो रिसर्च हमारे पास एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है किसी भी हवाले से। आप न्यू चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ यू विल फाइंड आउट समथिंग न्यू इन सम एग्जिस्टिंग मेथड्स टूल्स फिनोमिनाज और सम इंस्ट्रूमेंट्स। हाउ यू कैन reproduce or refine those material or methods for the betterment of your community. तो ये किसी भी knowledge की किसी भी branch के हवाले से हो सकती है, ये नहीं just scientific जो subject हैं उनमें ही research possible है। आपके पास जितने ये social sciences के subject हैं उनमें भी research possible है, उन्हें भी refine किया जा सकता है। जैसा कि हम एजुकेशनल रिसर्च पढ़ रहे हैं, यू आर डूइंग एजुकेशन एंड फॉर द बेटरमेंट, कि आप किस तरह से टीचिंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको टीचिंग और जो आपका टीचिंग एनवायरनमेंट है उसे किस तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इस तरह डिफरेंट मेथड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम आते रहते हैं। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशनल रिसर्च में कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर टीचिंग एनवायरनमेंट और लर्निंग एनवायरनमेंट within the frame। तो ये आपने कभी भी नहीं सोचना कि जो educational research है या सर रिसर्च जो है सिर्फ scientific subject में possible है, ये आपको social science के subjects में भी होती है और चीज़ों को मज़ीद refine और pure करने के हवाले से आपको मदद provide करती है। So our next topic is what is educational research? Educational research is a process for solving problem related to education. Education, it is a careful and critical search for knowledge related to education. It is the formal process to correct, resist error, manipulate and control variable, verify and extend theories and generalize and discover new things with an ultimate objective to advance for the welfare of the society. So, yahan par aapka objective hota hai ki aapne cheezon ko केयरफुली और क्रिटिकली जांचना है एजुकेशन के रिलेटेड। जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आपने उसे जांचना है, उसे समझना है और उसके बारे में उनको मैनिपुलेट करना है, उसमें जो एरर्स आ रहे हैं या उसको में जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक्सटेंड करना है ताकि आप चीज़ों को जर्नलाइज कर सकें और जो एग्जिस्टिंग थीरीज हैं उनमें से न्यू जो थिंग्स हैं उन्हें डिस्कवर करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो सर्च हो चाहे रिसर्च हो, वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन जो थीम है वो ये होता है कि आप हाउ यू कैन प्रोवाइड और फैसिलिटेट योर कम्यूनिटी।
यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि आप किस तरह सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, और एजुकेशनल रिसर्च की कुछ खसूसियात हैं, हम वो चंद एक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और यू विल बी एबल टू फाइंड आर टू पुट योर एग्जाम पेपर मोर प्रिसाइजली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, सो काइंडली स्टे हेयर. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस विच इज फॉर्मल सिस्टमेटिक एंड एग्जॉस्टिव. द इन्वेस्टिगेटर हैज टू प्रोसीड विद सिस्टमेटिकली टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव. ही हैज टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग मैनिपुलेशंस, अप्लाइंग कंट्रोल, मेकिंग एनालिसिस ऑफ डाटा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड मेकिंग जर्नलाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. यहाँ पर सबसे पहले खसूसियत यह है कि जो एजुकेशनल रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर अंदाज में उसे इंगेज किया जाता है फॉर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लेसन प्लान में आपके ऑब्जेक्टिव कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसी तरह ही हमारे जो रिसर्च हैं कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होंगे फॉर दैट फ्रेम, फॉर दैट कम्युनिटी, फॉर स्पेसिफिक क्लासरूम, फॉर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप के पीपल के लिए. और जो हमारे जर्नलाइज ऑब्जेक्टिव होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और आफ्टर सम इंटरवल या आफ्टर सम टाइम पीरियड हमें इन इन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, हमें इन इन इंस्ट्रूमेंट्स को इंगेज करना है हमारे एजुकेशन कम्युनिटी में, ताकि जो हमारे एजुकेशन का मेयार है वो अप टू द मार्क रहे, और आप जो चीज़ें रिसर्च से मैनिपुलेट करते हैं उन्हें जर्नलाइज करना भी आपका मेन थीम में शामिल होता है, कि आप किस तरह से फॉर होल कम्युनिटी, ये नहीं कि आपकी रिसर्च जस्ट एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए होगी, आपकी वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड करेगी. हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि जर्नलाइज्ड, योर ऑब्जेक्टिव इज टू जर्नलाइज योर रिजल्ट फॉर द होल कम्युनिटी. तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी. और यहाँ पर सेकंड है हमारी खसूसियत है एजुकेशनल रिसर्च इन्वेस्टिगेट थीरीज एंड स्केल्स ऑफ एजुकेशन एज एजुकेशन इन बोथ साइंस एंड आर्ट्स. तो एजुकेशनल रिसर्च में हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो जस्ट साइंस सब्जेक्ट नहीं हो रही है, जस्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट, या जस्ट आप चीज़ों को ये नहीं है कि आप ग्रो थ्रू करें, बल्कि वहाँ पर आपने लॉजिकली एंड क्रिटिकली उनके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, हर चीज़ों को एनालाइज करना है. जैसे के लेक्चर बेस्ड लर्निंग और ह्यूरिस्टिक बेस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट में आपके पास जो हर मेथड के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं. तो एजुकेशनल रिसर्च में आपने हर वो मेथड, टीचिंग इन्वायरमेंट के जो बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं उन्हें मेंशन करना है, कि किस तरह यू विल अचीव बेस्ट एंड ऑप्टिमम रिजल्ट्स विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज. एजुकेशनल रिसर्च इज साइंटिफिक इन सेंस दैट इट इन्वॉल्व द टेस्टिंग हाइपोथेसिस. एजुकेशनल रिसर्च एक साइंटिफिक रिसर्च है. यहाँ पर ये नहीं ट्रेंड कि ये आर्ट्स है और ये चीज़ों को मजीद प्योरीफाई नहीं करती. यहाँ पर ये दिस इज अ साइंटिफिक बिकॉज हेयर वी हैव टेस्टिंग. टेस्टिंग ये नहीं है कि जस्ट केमिकल्स के टेस्ट होते हैं, यहाँ बिहेवियर्स के टेस्ट किए जाते हैं. यहाँ पर आप चीज़ों के जो वेरिएबल्स हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है. सही, तो यहाँ पर डिफरेंट हाइपोथेसिस जनरेट किए जाते हैं कि क्या जो हमारा नया मेथड है उससे जो हमारे टीचिंग इन्वायरमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं, या जो आपने मेथड प्रपोज किया है उसकी वजह से टीचिंग इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं. तो इसलिए यहाँ पर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, डिफरेंट हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है. इसलिए ये हमारे पास एक साइंटिफिक रिसर्च है. एजुकेशनल रिसर्च करेक्ट प्रीवियस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस एंड ब्रिंग न्यू फैक्ट्स इनटू लाइट. इट सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन डिफरेंट एरियाज रिलेटेड टू एजुकेशन. एजुकेशनल रिसर्च में हमारा जो रिलेशनशिप रहेगा वो एजुकेशन के साथ ही रहेगा, या वहाँ पर जो मिसकंसेप्शंस पाए जा रहे हैं और न्यू फैक्ट को बनाने के हवाले से हम उनके बारे में न्यू सजेशंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कि किस तरह से आप अपने जो तलीमी इन्वायरमेंट है, आपके क्लासरूम इन्वायरमेंट है, या आपके इंस्टीट्यूशन का जो इन्वायरमेंट है, हाउ यू विल इम्प्रूव इट.
आप एट द एंड ऑफ योर रिसर्च यू हैव टू पुट सम सजेशंस टू इम्प्रूव द एजुकेशनल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर मिसकंसेप्शंस जो पाए जाएं किसी फैक्ट के बारे में, किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, किसी मेथड के बारे में, उन्हें जज और एनालाइज करना है और न्यू थिंग्स को भी प्रोवाइड करना है फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ योर सोसाइटी। और एट्थ खसूसियत है, इट ओपन न्यू चैलेंज चैनल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉलेज कंस्ट्रक्ट्स न्यू नॉलेज। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है कि आप यहाँ पर डिफरेंट चीजों को एनालाइज करते हैं कि हाउ यू विल एनालाइज एंड हाउ यू विल जज न्यू प्रीवियस एक्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रोवाइड सम सजेशंस फॉर टू प्रोवाइड न्यू मेथड ऑफ लर्निंग फॉर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट टीचिंग। तो यहाँ पर आप न्यू एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओपन होते हैं अगर एक बंदा हर बंदा उस टॉपिक के हर जो शार्ट है उसे कवर नहीं कर पाता, स्टेम एंड लीफ जो रिलेशनशिप है उसे कवर नहीं कर पाता, इसलिए हर रिसर्च में कुछ ना कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, इसलिए ये हमें नए चैनल्स प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस में। इट चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ रिसर्चर, द रिसर्चर डिवेल्प अ साइंटिफिक आउट Look, he develop our researcher lifestyles, have a positive attitude towards things. He is systematic and objective in approach, free from suspicions, have critical and independent thinking. अच्छा, जो educational research है ना, सिर्फ ये कि ये हमें अच्छा knowledge और बेहतर information provide करती है, यहाँ पर हमें जो बेहतर अंदाज में चीज़ों को जो researcher है उसकी पर्सनैलिटी में भी ग्रूम आता है और वो चीज़ों को बेहतर और अच्छे अंदाज में एनालाइज और लॉजिकली और क्रिटिकली ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, नॉट जस्ट इन टीचिंग एनवायरनमेंट बट इन हिज ऑन रियल लाइफ ही विल बी एनालाइज देयर प्रॉब्लम्स मोर प्रिसाइजली। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, द साइंटिफिक एरा इन द फिजिकल साइंस बिगन इन द 17th सेंचुरी, द इमर्जेंस ऑफ एजुकेशन एज अ साइंस इज only 18 year old. It was due not only to the complex nature of the phenomena to the study but also to slow progress in the development of measuring tools for collecting data of educational interest. The history of various development in educational research therefore is closely linked with some of the significant development in the history ऑफ मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। तो एजुकेशनल रिसर्च जो है कुछ ऐसा कुछ खास पुरानी नहीं है, जस्ट ये 18 ईयर ओल्ड इसका कंसेप्ट मेनली डिवेल्प होना शुरू हुआ बिकॉज के क्यों ना कि डाटा कलेक्शन जो है एजुकेशनल रिसर्च में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है हर एरा में, तो इसलिए ये कुछ ऐसा कुछ यानी आप इसे कुछ पुरानी नहीं कह रहे थे, ये कोई अफलातून के दौर से चल रही है, बट एजुकेशनल रिसर्च में काम हो रहा था, बट जो मेन काम है लास्ट 80 ईयर में बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो एजुकेशनल रिसर्च के जो चार मेन एरा में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट एरा है बिफोर 19th सेंचुरी का, जो पीछे काम हुआ था उसे फर्स्ट एरा लिया जाता है, और सेकंड फेज में आपके पास है कि 19 to 1920 एंड थर्ड फेज इज 1920 to 1945 एंड लेटर ऑन 1945 से आज तक जो काम हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा काम हो चुका है एजुकेशनल रिसर्च में, और दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरा। और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे न्यू मेथड्स और टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट के हवाले से इस फोर्थ एरा में डेवलप हुए हैं, तो ये जो ईयर्स हैं ये मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, वे ऑफ नोइंग, किस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज और जज कर सकते हैं, आपके पास है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस के जरिए भी चीज़ों को आप चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ट्रेडिशंस रवायात आपके ट्रेडिशंस एक्सपर्ट एंड अथॉरिटी वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, लॉजिक इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, साइंटिफिक मेथड, ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल टू गेन नॉलेज अबाउट एनी स्पेसिफिक फिनोमिना। ऑल राइट, तो इनके बारे में फर्दर डिस्कशन होगी। और यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें यहाँ पर इंगेज किया गया है कि हाउ यू विल परफॉर्म योर रिसर्च। फर्स्ट स्टेप पे आपने जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में आपने जस्टिफिकेशन एनालाइज करनी है,
वाई डू वी नीड स्टडी, आपने फर्स्ट स्टेप पे उस चीज को जांचना है कि किस तरह, क्यों, कैसे, कब, हम क्यों ये करना चाह रहे हैं। और सेकंड स्टेप में आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि इस प्रॉब्लम के हवाले से हमारे लिटरेचर में कितना मटेरियल में अवेलेबल है, कौन से मेथड यूज हुए हैं और किस तरह से डाटा कलेक्ट किया गया है इन लिटरेचर, सेकंड फेज में, सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपने मेथडोलॉजी डिफाइन करनी है कि हाउ यू विल कलेक्ट योर डाटा फॉर योर ऑन प्रॉब्लम के हवाले से, आप किस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे और उस पे कौन से स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड टूल्स और टेस्टिंग हाइपोथेसिस किस तरह से डिफाइन होंगी। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिफाइंड इन द थर्ड फेज एंड, और यहाँ पर आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सारी चीजें थर्ड फेज में ही डिफाइन होंगी। और फोर्थ फेज में डाटा एनालिसिस हो रहा है, व्हाट एवर यू आर यूजिंग द स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप SPS या फिजिकली या कंप्यूटर का यूज करते हुए, या आपके पास आर लैंग्वेज है, मैटलैब है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हैं जिसके जरिए आप डाटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन कि आपने जो रिजल्ट्स हैं उन्हें एक सादा और आसान जबान में बयान करना है कि आपका जो एक ले मैन है वो भी उससे रिजल्ट्स ड्रॉ कर सके। रिपोर्ट एंड इवेलुएशन, और फाइनल फेज में आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कि जिसके जरिए यू विल बी एबल टू राइट सम सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस, कि आपने पूरे जो ये चार स्टेप है ये पांचवें स्टेप में समराइज करने हैं कि क्या आपने सीखा, क्या समझा और क्या आपके सजेशंस हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं और क्या रिकमेंडेशंस हैं। ये सारी चीजें आपने अपने पांचवें स्टेप में डिफाइन करनी है। तो होप सो यू इंजॉय द वीडियो, और टाइप्स ऑफ रिसर्च के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं और इनके सारी थीरीज और इनके हवाले से जो भी मटेरियल हुआ वो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के हवाले से वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। और यहाँ तक हमारा मेन थीम था कि हाउ यू विल डन योर रिसर्च एंड हाउ यू परफॉर्म योर रिसर्च इन एन एजुकेशनल इन्वायरमेंट। तो ये चार स्टेप्स यूटिलाइज होते हैं और इनको फॉलो करके यू विल बी एबल टू डन योर रिसर्च। होप सो यू एंजॉय द वीडियो, इफ यू फील एनी क्वेरी काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फैसिलिटेट यू, एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो। थैंक यू सो मच।